गौड़ी महला पांच राम रसायन जो जन गीधे चरण कमल प्रेम भक्ति बींधे रहा आन रसा दिसह सब झार नाम बिना निःफल संसार अंधकूप ते काटे आप गुण गोविंद अचरज प्रताप बण तृण त्रिभवन पूरण गोपाल ब्रह्म पसार जिये संग दयाल कह नानक सा कथनी सार मान लेत जिस सर्जन हार जो भक्त राम के अमृत नाम में लीन हुए हैं वह उसके चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में बंधे हुए हैं रहाउ ऐसे भक्तों को दूसरे भोग विलास राख के तुल्य दिखाई देते हैं भगवान जी के नाम के बिना इस दुनिया में जन्म लेना निष्फल है ईश्वर स्वयं ही मनुष्य को अज्ञानता के अंधे कुएं से बाहर निकाल देता है गोविंद की महिमा का तेज प्रताप अद्भुत है बनो वनस्पति एवं तीनों लोकों में गोपाल सर्वव्यापक है सृष्टि में ब्रह्म परमात्मा जी का ही प्रसार है और भगवान जी जीवों के साथ दयालु दिखाई देते हैं हे नानक केवल वही वाणी श्रेष्ठ है जिसे करतार स्वीकार कर लेता है गौड़ी महला पांच नित प्रत नावण राम सर कीजे झोल महारस हर अमृत पीजे रहा निर्मल उदक गोविंद का नाम मंजन करत पूर्ण सब काम संत संग तह गोसट होई कोट जन्म के किल बिक खोई सिमरह साध करह आनंद मन तन रव्या परम आनंद जिसह प्रापत हर चरण निधान नानक दास तिसह कुर्बान राम के सरोवर में प्रतिदिन स्नान कीजिए हरि के नाम अमृत के महारस का प्रेम पूर्वक पान कीजिए रहाऊ गोविंद के नाम का जल बड़ा निर्मल है उसमें स्नान करने से सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं वहाँ सत्संग में प्रभु की कथा वार्ता होती है और करोड़ों जन्मों के पाप मिट जाते हैं संत जन प्रभु को स्मरण करके बड़ा आनंद प्राप्त करते हैं उनका मन एवं तन परम आनंद में लीन रहता है दास नानक उस पर कुर्बान जाता है जिसने ईश्वर के चरणों का भंडार प्राप्त कर लिया है गौड़ी महला पांच सो किछ कर जित मैल ना लागे हर कीर्तन मह एह मन जागे रहा एको सिमर न दूजा भाव सतसंग जप केवल नाऊ कर्म धर्म नेम व्रत पूजा पार ब्रह्म बिन जान न दूजा ताकि पूरण कोई घाल जाकी प्रीत अपने प्रभ नाल सो बैसनो है अपर अपार कह नानक जिन तजे विकार हे मानव वही कर्म कर जिससे तेरे मन को मोह माया की मैल ना लग सके और तेरा यह मन प्रभु के भजन में जागृत रहे रहाऊ हे मानव एक ईश्वर का नाम सिमरण कर और अह तत्व की ओर ध्यान मत दे महापुरुषों की संगति में केवल नाम का जाप कर हे मानव कर्म धर्म व्रत एवं पूजा अर्चना इत्यादि सब प्रभु के बिना किसी दूसरे की पहचान न करने में आ जाते हैं उस व्यक्ति की साधना सफल हो जाती है जिसका प्रेम अपने ईश्वर के साथ होता है नानक कर्म धर्म व्रत पूजा करने वाला वैष्णव नहीं अपितु वही वैष्णव सर्वश्रेष्ठ है जिसने समस्त पाप विकार त्याग दिए हैं गौड़ी महला पांच जीवत छाड़ जह देवाने मोया उनते को बरसाने सिमर गोविंद मन तत धुर लिखिया काहू काज न आवत विखिया रहा विखे ठगौरी जिन जिन खाई ताकि तृष्णा कबहू न जाई दारण दुख दुत्तर संसार
राम नाम बिन कैसे उतरस पार, साध संग मिल दुई कुल साध, राम नाम नानक आराध। हे पागल प्राणी, तेरे जीवन में भौतिक पदार्थ एवं संबंधी तुझे त्याग जाते हैं, मरण उपरांत क्या कोई उनसे लाभ प्राप्त कर सकता है? जिसके लिए विधाता ने ऐसा कर्म लिखा हुआ है, वह अपने मन एवं तन से गोविंद को समरण करता है। माया जिसके लिए मनुष्य भाग दौड़ करता है, किसी काम नहीं आती। रहाउ, जिस किसी ने छल कपट रूपी विष सेवन किया है, उसकी तृष्णा कभी निर्वृत नहीं होती। हे प्राणी, यह कठिन जगत सागर भयानक दुखों से भरा हुआ है, राम के नाम बिना प्राणी इससे किस तरह पार होगा? नानक जी का कथन है कि हे प्राणी, सत्संग में मिलकर राम के नाम का भजन कर और अपने लोक परलोक दोनों ही सवार ले। गौड़ी महला पांच, गरीबा ऊपर जय खिजे दाढ़ी, पार ब्रह्म सा अगन मह साड़ी, पूरा न्याउ करे करतार, अपने दास कौ राखण हार। रहा आद जुगाद प्रगट प्रताप, निंदक मुआ उपज बड़ताप, तिन मारिया जय रखे ना कोई, आगे पाछे मंदी सोई, अपने दास राखे कंठ लाई, शरण नानक हर नाम ध्याई। हे प्राणी, जो दाढ़ी निर्धनों पर खींचती रहती है, उस दाढ़ी को पार ब्रह्म प्रभु ने अग्नि में जला दिया है। अर्थात जो मनुष्य गुस्से में आकर अहंकार वश दूसरों को तंग करता है, वह स्वयं भी क्रोध अग्नि में जलता रहता है। सृष्टि का निर्माता प्रभु पूर्ण न्याय करता है, वह अपने सेवकों का रखवाला है। रहाउ, हे प्राणी, सृष्टि के प्रारंभ से युगों के आदि काल से ही प्रभु का प्रताप उजागर है। निंदक मनुष्य भारी ताप से प्राण त्याग देता है, उसको उस प्रभु ने मार दिया है, जिसे कोई बचा नहीं सकता। ऐसे मनुष्य की लोक परलोक में बदनामी ही होती है। हे नानक, अपने सेवकों को प्रभु अपने गले से लगाकर रखता है। हमें प्रभु की ही शरण लेनी चाहिए और भगवान के नाम का ध्यान करना चाहिए। गौड़ी महला पांच, महजर झूठा की तोन आप, पापी कौ लागा संताप, जिस सहाय गोविंद मेरा, तिस कौ जम नहीं आवे नेरा। रहाउ, साची दरगह बोले कूड़, सिर हाथ पछोड़े अंधा मूड, रोग व्यापे करते पाप, अदली होई बैठा प्रभ आप, अपन कमाइए आपे बांधे, दर्व गया सब जिये के साथे, नानक शरण परे दरबार, राखी पेज मेरे करतार। ईश्वर ने स्वयं दावा झूठा सिद्ध कर दिया है, अपराधी को विपदा पड़ गई है, जिसका सहायक मेरा गोविंद है, मृत्यु उसके निकट भी नहीं आती। रहाउ, ज्ञानहीन मूर्ख मनुष्य ईश्वर के सच्चे दरबार में झूठ बोलता है और अपने हाथों से अपना सिर पीटता है। जो व्यक्ति पाप करते रहते हैं, उन्हें अनेक रोग लग जाते हैं, ईश्वर स्वयं ही न्यायकर्ता बनकर बैठा हुआ है। मनुष्य अपने कर्मों के कारण स्वयं ही बंध गए हैं। सारा धन पदार्थ जीवन प्राणों के साथ ही चला जाता है। हे नानक, जिन्होंने प्रभु के दरबार में शरण ली है, मेरे करतार ने उनकी प्रतिष्ठा रख ली है।